नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। किशनगंज के हसन जावेद, जो कि खबरें सीमांचल का एक दल्ला है, उसको मैंने अगर दल्ला कह दिया तो वहाँ के कुछ लोगों को बुरा लग गया। मेरे कुछ मुसलमान भाइयों को ये बहुत आपत्तिजनक लगा कि विनय दुबे ने गालियों से क्यों बात की। भाई साहब, एक बात बताइए, विनय दुबे आज तक भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जब जब मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, अत्याचार करने वालों पर बहुत बेकार तरीके से गालियों के साथ बात करता था, उस समय आपकी भावनाएं आहत नहीं होती थी। उस समय मेरी ये गाली आपको बड़ा सुकून दे जाती थी। आज जब मैं हसन जावेद, जो कि आप ही के कौम का एक ऐसा बदनुमा दाग है, जो आप ही के कौम को तोड़ रहा है, कमज़ोर कर रहा है, उसका मैं प्रूफ अभी देने जा रहा हूँ, उसको देखते हुए आपको बहुत सहानुभूति हो रही है। मैंने बहुत रिस्पेक्टेड गालियों से उससे बात की, उसे भोसड़ी वाले दल्ला ही बोला। मैंने केवल एक छोटा सा चैलेंज किया था। एक बात बताइए, आपको मेरी बातें हसन जावेद के लिए इतनी बुरी लग गई, आप तब कहाँ मर गए थे? आपकी आत्मा कब उस समय मर गई थी जब यही हसन जावेद मुसलमान के घर की बेटियों को सोशल मीडिया पर खुले आम नंगा कर रहा था? दिखाऊं, जिस हसन जावेद के लिए आपकी आज भावनाएं आहत हो रही हैं, मेरी गालियां बुरी लग रही हैं, आप उस समय किस जगह पर मुंह छुपा के पड़े हुए थे जब यही हसन जावेद किशनगंज के स्थानिक लड़कों को, युवाओं को, बुजुर्गों को गंदी गंदी गालियां कमेंट में लिखता था? ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मौलाना है। मौलाना का पद बहुत ऊंचा होता है। इस मौलाना के लिए आपका सम्मानित हसन जावेद क्या कहता है पता है? पढ़िए जरा। मौलाना साहब, जो कि जाहिद हसन लिखते हैं कि गाली खौआ आप हैं, उसके बदले में जावेद हसन जवाब क्या देता है कि क्या हाल है ठरकी मौलाना। ठरकी मौलाना, ठरकी का मतलब जानते हैं? वो इंसान जो लड़कियों के लिए तड़पता रहे, उनके लिए गंदे विचार दिल में रखता रहे, उनके साथ संभोग करना चाहे, उनके चरित्र से खेलना चाहे, उनकी अश्लीलता के साथ रहे, ठरकी उस इंसान को कहता है। और एक मौलाना के लिए ये ठरकी मौलाना शब्द इस्तेमाल कर रहा है आपका सम्मानित हसन जावेद, तो बहुत अच्छी बात है। उस समय आपका दिल गदगद हो गया। और इस ठरकी मौलाना लिखने वाले को अगर विनय दुबे भोसड़ी वाला बोल दे तो आपको तकलीफ है। आइए, ये तो एक छोटा उदाहरण था, दूसरा देख लीजिए। जब लोगों ने सवाल करना हसन जावेद से पूछा कि आपने 8 लाख रुपए का आरोप लगाया है, आपके पास क्या सबूत है, तो तमाम उन लोगों को, पूरे किशनगंज के युवाओं को, कितने सम्मानित शब्दों से हसन जावेद लिखते हैं कि दुबे से ज़्यादा उनके भक्त परेशान हैं, सब कमीशन खोर अपना टोला बना लिए हैं, सब कमीशन खोर हैं। मतलब अगर इनकी गलतियों पे कोई सवाल पूछ ले तो कमीशन खोर हैं। वो सवाल पूछने वाला कौन है? उसी सीमांचल, उसी किशनगंज का युवा, उसी मुस्लिम बिरादरी का युवा, उनको ये कमीशन खोर बोल दे तो बहुत अच्छी बात है। विनय दुबे इसको भोसड़ी वाला बोल दे तो दिक्कत है। आगे आइए, आपकी सीमांचल की और किशनगंज की बेटियां इतनी हल्की हैं, उनकी इज्जत इज्जत नहीं है कि ये हसन जावेद खुलेआम ऐसे कमेंट करता है, उसको आप बर्दाश्त कैसे करते हैं? यही हसन जावेद है। एक अविस राजा ने कमेंट किया, विनय दुबे बहुत अच्छा आदमी है, वह सबका भलाई करता है। उसको क्या लिखा इसने, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको लिखा कि जीजा बना लो। मतलब अविस राजा की बहन का कोई कीमत नहीं है, एक मुस्लिम लड़की होने का यही उसका गलती है कि किसी के साथ भी इसको जीजा बना देंगे। हसन जावेद ये कहना चाहता है कि उसकी बहन को किसी के साथ भी आप दे दो, शादी करा दो, बच्चे पैदे करा दो, जीजा बनवा दो। अपनी घर की, अपनी कौम की, अपनी लड़की को ये किसी के साथ भी जोड़ देगा, उस समय आपकी इज्जत नहीं जाएगी। लेकिन विनय दुबे ऐसे भड़वों को, ऐसे भोसड़ी वालों को रिलाई करेगा तो आपको तकलीफ होती है। अभी तो रुक जाइए, आगे बहुत सारा पड़ा हुआ है। ये अगला कमेंट देखिए, मोहम्मद राहत एसआर करके एक लड़के ने कमेंट किया कि विनय दुबे जिंदाबाद। उनको क्या, आपके जो सम्मानित हसन जावेद हैं, क्या लिखते हैं कि नयका जीजा मिल गया तुम्हें, मुबारक हो।
मतलब एमडी राहत एसआर की बहन की कोई कीमत नहीं है। किशनगंज का युवा है, किशनगंज की लड़की के लिए एक कितना वाहियात शब्द लिखा है कि नयका जीजा मिल गया है, तुम्हें मुबारक हो। उस समय आपकी भावनाएं नहीं दुखेगी, लेकिन विनय दुबे ऐसे घटिया इंसान को रेल देगा तो आपको तकलीफ हो जाती है। मतलब मुझे समझ के बाहर है, जो चीज़ गलत है उसे गलत बोलने का हिम्मत रखिए ना, काहे डरते हैं। सिर्फ आपके कौम का है, इसके लिए चाहे जो कर लेगा, आपकी बेटियों को खुलेआम सोशल मीडिया पे नंगा कर देगा, हम बोलेंगे नहीं। हम देख रहे हैं कि इंसान गलत कर रहा है, उसके बाद भी हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे कौम का है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर ऐसा होता, आजकल देख रहा हूँ बहुत स्वाभिमान जाग गया है हसन जावेद का सोशल मीडिया पर। अपने कहता कि अपने लोग अपना खून, अगर मैं भी अपना लोग अपना खून देखने जाता ना, तो किशनगंज का ही युवा जो है लोहागढ़ा का नाहिद आलम रोता हुआ मुंबई आया था हार्ट सर्जरी के लिए, आज पड़ा होता किसी कब्रिस्तान में मुंबई के या तो किशनगंज के। अगर मैंने भी अपना खून अपने लोग देखे होते, अपनी कौम देखी होती। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, आपका इस्लाम हो चाहे मेरा सनातन, वो इंसानियत सिखाता है। किसी भी मरते हुए इंसान को हाथ दो, मदद करो, भूखे को खाना खिलाओ, किसी के आंसू पोछो, वो आपके भी धर्म में उर्दू में लिखा है, मेरे सनातन धर्म में संस्कृत में लिखा है, एक ही चीज़ है। फिर जब मैं अगर गलत को गलत बोलने की हिम्मत रख सकता हूँ बिना जात पात धर्म पंथ देखते हुए, तो आप क्यों डरते हैं? या तो कहीं ना कहीं आप इस बातों को समर्थन करते हैं कि एक मुसलमान अपने मुसलमान को कितनी भी गालियाँ दे दे, बेटियों की इज्जतों को तार तार कर दे, वो सब जायज़ है, लेकिन एक दूसरे धर्म का लड़का हमारे मुस्लिम कौम के किसी भी इंसान को गाली नहीं देगा, भले वो इंसान जिसको गाली पड़ रही है वो हमारी लड़कियों की इज्जत को नीलाम कर दे। अगर आपका ऐसा सोच है तो मैं आपको भी अपने गोटे के नीचे रखता हूँ, तलवे के नीचे रखता हूँ ऐसे सोच वाले को। आपको मैं बताता हूँ कि किशनगंज का जो युवा है ना, जिस मुसलमान भाइयों को मेरी बातें आहत करती हैं ना, ज़रा देखिए किशनगंज का युवा हसन जावेद के लिए क्या सोचता है। ये जो काले बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ना, इसको ज़रा गौर से पढ़िए। इस पर लिखा हुआ है कि हसन जावेद हमारे सीमांचल के लिए बदनुमा दाग है। युवा जाग रहा है, युवा देख रहा है, युवा समझ रहा है कि किशनगंज को आज तक बेवकूफ़ बनाया, मुद्दों से भटका कर रोज दो पैसा कमा लेना हसन जावेद का धंधा है, ये आप लोग कब समझेंगे? एक बात बताइए, हसन जावेद ने मुझ पर 8 लाख का आरोप लगाया, मुझ पे ठगी का आरोप लगा, मुझ पे पैसे वसूली का आरोप लगा। जिस पे आरोप लगा है वो इंसान खुद कह रहा है कि मेरे साथ बैंक चलिए, स्टेटमेंट निकालिए, और सीमांचल किशनगंज के तमाम युवा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए हर एक एंट्री का हिसाब करके उसे खुलेआम सार्वजनिक तौर पर ओपन करिए कि कितना पैसा आया। अगर ये 8 लाख से आसपास भी रहा, मैं तो 8 लाख का आधा बोला था, 8 लाख की जगह 2 लाख रुपया भी मेरे अकाउंट में मिन्हास के नाम पे दिखा दिए, तो विनय दुबे वहां पर अपने सारे कपड़े उतार के किशनगंज से माफी मांगेगा निर्वस्त्र होके। और अगर हसन जावेद ये दावा नहीं साबित कर पाए तो किशनगंज के सामने हसन जावेद नंगा होगा, जैसे विनय दुबे होता, माफी मांगता और सबसे क्षमा मांगता, किशनगंज के युवाओं को बेवकूफ बनाने के लिए माफी मांगता। क्या गलत कहा मैंने? जिस पे आरोप है वो कह रहा है कि चलो बैंक, और जो आरोप लगा रहा है वो बच रहा है। चलो मैं नहीं आता बैंक, आप हसन जावेद साहब से पूछ लीजिए, हसन जावेद साहब को बोल दीजिए कि वो 8 लाख का हिसाब सोशल मीडिया पे डाल दे। आपके पास कुछ तो सबूत होंगे ना, तब तो जाके आपने ये इतना बड़ा खूबसूरत पोस्ट लिखा है, तो आप डाल दीजिए, 8 लाख का हिसाब दे दीजिए किशनगंज को, युवाओं को, और दिखा दीजिए विनय दुबे की असलियत। तो बेगानी शादी में ना अब्दुल्ला दीवाना मत बनो हसन मेरा बच्चा, ऐसे नहीं करते बेटा, मर्दों के जैसे लड़ो। विनय दुबे को देखो, छाती ठोक के चैलेंज कर रहा है, तुम्हारी फटी पड़ी है, तुम्हारे अंदर चोर है, इसके लिए तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है एक छोटी सी लाइन बोलने के लिए कि मैं विनय दुबे का चैलेंज मंजूर करता हूँ। इतना ही अगर तू बाहुबली होता, इतना ही सच्चा होता, इतना ही ईमानदार होता, इतना ही एक खूबसूरत जो लिखा है उसको तेरे पास सबूत होते ना, तो अभी तक तू चुप नहीं बैठा होता। किशनगंज सीमांचल के लोग जानते हैं कि तेरे पास कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, मुंह में जुबान पड़ी है तो चाहे जो बल भी ला लो, क्या दिक्कत है। लेकिन जब बात रखा करो तो एक मर्द जैसा रखा करो, सबूत के साथ बात की होगी, और जैसे विनय दुबे ने दिखाया ना स्टेटमेंट, सारा चीज़ एक एक करके कमेंट के साथ प्रूफ करके साथ दिखाया, तुम भी दिखाओ यार बेटा। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि आखिर ये सब हुआ क्यों।
ये बिलबिलाहट और ये सारी चीज़ें हटा दी। जब मैं आपको असली चीज़ दिखाता हूँ, असली मुद्दा दिखाता हूँ कि आखिर ये चीज़ें क्यों हुई। मिन्हास का हत्या हो जाता है, इंसाफ की आवाज़ें पूरे देश तक जाती हैं, विनय दुबे उस छोटे से बच्चे को देखते हुए पिघल जाता है कि एक 2 साल 3 साल का बच्चा अपने पिता के इंसाफ के लिए लड़ सकता है, हम तो युवा हैं, हमारे हाथों में ताकत है, हम कैसे घरों में बैठ सकते हैं। ये देखकर मैं वहाँ आया, अपनी जेब से मेरा पर्सनल पैसा 50,000 रुपया मैंने उस परिवार को दिया। डोनेशन का पैसा, आर्थिक मदद का तो कोई सवाल ही नहीं था, वो तो बाद में फैसला होता। 50,000 रुपया पहले अपनी तरफ से मैंने रखा। उसके बाद में ये पूरा जो खेला था वो केवल पैसों की वसूली को लेकर था। खबरें सीमांचल के हसन जावेद और पूरा खबरें सीमांचल की टीम ने ये प्लान कर लिया था कि ये जो माहौल है, ये जो मुद्दा है, बहुत ही पैसा वसूली वाला मुद्दा है। हम लोगों को बोलेंगे कि हम लोग 5 लाख रुपया जमा करेंगे, 5 लाख रुपये से ज़्यादा पैसा जमा होगा, हम सिर्फ 5 लाख देंगे, बाकी पैसा खबरें सीमांचल और हसन जावेद की जेब में। यहीं पर यह मामला गड़बड़ाया कि इनके प्लान को सक्सेस होता उससे पहले विनय दुबे ने अपनी UPI ID देकर बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दिए। बहुत सारे युवाओं के दिल में था कि अपना ही क्यों UPI ID दिए। मेरे भाई, आप लोगों को शायद जानकारी है, नहीं जानकारी मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय तक जब ये मामला चल रहा था, 6 अक्टूबर या ऐसे कुछ डेट है उसकी, उस समय पर इनके पास बैंक डिटेल्स, UPI डिटेल्स नहीं थी। आज जो खबरें सीमांचल आपको इनका बैंक डिटेल्स UPI दे रहा है, वो मेरे आने के बहुत दिनों बाद बनाया गया। ये नया बैंक अकाउंट बनाया गया इसी के लिए, क्योंकि पुराने में इनका कुछ दिक्कतें थी या नहीं थी उस समय अवेलेबल तो उस समय भी नहीं थी UPI और बैंक डिटेल, जिस समय मैं इनके घर में वो 50,000 रुपया लेकर बैठा था। हालात ये थे कि मुझे मिन्हास के छोटे भाई के UPI ID पर ये भेजना पड़ा, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ा, तो उस समय UPI ID नहीं थी। दूसरी बात, किसी भी महिला का, बेवा महिला का नंबर और उसकी पहचान मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे ही RSS और भाजपा के ऐसे गंदे मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं जो इन महिलाओं को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है, अगर आपके घर की किसी महिला का नंबर सोशल मीडिया पे आ जाए तो उसके साथ क्या हो सकता है, क्या बीतेगा, वो आप महसूस नहीं कर सकते। गंदी गंदी बातें, वीडियोज़, फ़ोटोज़ उनको व्हाट्सअप पे, मैसेज पे, कॉल्स के ज़रिए अश्लील बातें की जाती हैं। ये तो एक मरे हुए बेवा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जिंदा मुस्लिम लड़कियों के लिए सुल्ली डील और बुल्ली डील नाम की वेबसाइटें बनाकर उनको ऑक्शन कर दिया गया। आप लोगों ने देखा मामला? आप लोग चाहते हैं कि मुसलमान लड़कियों की नंबर को और उनकी पहचान को मैं सोशल मीडिया पे डालूं? आप कर सकते हैं भाई, मैं गाली खा सकता हूं, मैं बदनाम हो सकता हूं, लेकिन इस तरह से किसी की घर की बेटी को, महिला को सोशल मीडिया पर डालकर उनको, कल को फिर आप लोग आरोप लगाते हैं मुझ पर कि एक बेवा लड़की को अश्लील मैसेज करवा रहा है, नंबर वायरल कर दिया, हमारी कौम की महिला को बेइज्जती करा रहा है, लोग गंदे गंदे फ़ोन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चलता आपको? मेरे सनातन धर्म में औरत को पर्दा, औरत को इज्जत को संभालने की सीख दी गई है, ना कि उसे सरेआम बाजार में नीलाम करने की। वो एक कारण था जिसकी वजह से मैं कभी भी किसी भी पारिवारिक, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, एक तकलीफ़ में अगर किसी का मदद करता हूँ तो मैं अपने UPI ID अपने नंबर पे करता हूँ, क्योंकि जो भी डिटेल आएगी, मैं जिसका भी आज तक मदद किया हूँ उसको स्टेटमेंट दिया हूँ, उसको पूरा डिटेल्स दे के मैंने उसको क्लोज़ किया है। आप निकाल लीजिए इतिहास। मिन्हास के मामले में इनका 5 लाख का वो खेला ख़राब हुआ। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि विनय दुबे को केस से हटाने के लिए, क्योंकि जब मैं वहाँ आया हूँ, मैंने ये वादा किया था वहाँ के लोगों से कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, विनय दुबे नहीं जाएगा, और अगले ही दिन 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए। उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी कन्फर्म होने के बाद ही विनय दुबे वहाँ से निकला है। मैंने तो अपना वादा पूरा किया। नाहिद आलम के लिए मैंने अपना वादा किया कि वो सही सलामत ऑपरेशन होकर सफल होकर अपने घर जाएगा, वो जा रहा है। विनय दुबे ने आज तक अपना कभी शब्द नहीं पाला हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं वही वादा करता हूं जो मैं पूरा कर सकता हूं। इस मामले में भी यही हुआ। विनय दुबे कहीं ना कहीं इस केस में बहुत बड़ा अड़ंगा बन चुका था, कहीं ना कहीं उसका जो पूरा क्रेडिट था वो विनय दुबे को जा रहा था। एक जलन हसन जावेद और उनके खबरें सीमांचल को होने लगी कि एक बाहर का लड़का आकर कैसे हमारे किशनगंज के पूरे युवाओं के दिलों पर राज कर सकता है, एक लड़की को, मिन्हास को इंसाफ दिला देगा तो फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, हमारी दुकान, हमारा धंधा कैसे चलेगा। और दूसरा 5 लाख वाला मसला तो अभी भी फंसा है।
उन्हें ये बेचैनी थी कि इस पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया। जहां पर मिन्हास को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ना चाहिए था, वहां पर ये विनय दुबे को पैसा कितना गया, हिसाब कितना गया, यूपीआई आईडी, पर्सनल आईडी, विनय दुबे पैसा, विनय दुबे चंदा, विनय दुबे ठग। मुझे एक बात बताइए ना, क्या ज़रूरत थी इस चीज़ को लेकर? आपके अंदर सवाल होते हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप बुलाइए किशनगंज, चलिए मेरे साथ बैंक, मैं दे रहा हूँ स्टेटमेंट। दूध का दूध पानी का पानी, अगर आप सही हैं, गलत नहीं है, आपका दावा सही है, आपको अपने दावे पर, अपने वादे पर पूरा विश्वास है, आइए मैं सामना करने को तैयार हूँ। लेकिन कब तक किशनगंज के लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे हसन? 8 लाख की बात तू डाल दे मेरे भाई, चल मैं नहीं आता किशनगंज, कर ले। किससे पैसा लिया है तूने मिन्हास के मामले को भटकाने के लिए? कौन है ऐसा जिसके दरवाजे पर जाके माथा टेका और उसने तुझे पैकेट थमा दिया? इस मामले को विनय दुबे और हसन जावेद पे ही रखो, कौन है वो? दलाली तू हमेशा करता आया है, पहले MIM में किया, फिर MIM के विधायकों के साथ किया, RJD का किया, JDO, कोई बचा है क्या? तू तो वो वेश्या से गया गुजरा है ना, जो 10 दरवाजे जाकर धंधा करती है, तेरा कोई लेवल है क्या? तू स्वाभिमान की बात करेगा जो खुद 4 पार्टियों के दरवाजे पे जाके तलवे चाट चुका है? तू ईमानदारी की बात करेगा जो स्टेटमेंट दे रहा है, बैंक जाना चाह रहा है, तू भाग रहा है? कौन ईमानदार है रे? तू मेरा धंधा बंद कराएगा? मैं तेरे को अभी बोल रहा हूँ, वीडियो पे ले ले, आज नहीं हमेशा मैं अपना UPI पर्सनल ID दूंगा, स्टेटमेंट दूंगा, बैंक अकाउंट्स दूंगा, तू रोक ले मुझे। तू लोगों को बोल दे मत डालने पैसा, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरा क्या बिगड़ जाएगा नहीं पैसा आने से या पैसा आने से। जितना आएगा उतना ही मदद करूँगा, नुकसान किसका है? अपने लोगों का है, वो लोग जो सही में ज़रूरतमंद है। तेरे जैसे लोगों की वजह से ना लोग मदद करने से घबराएंगे, हम लोग ना सोचेंगे 10 बार। हम जैसे लोग बैठे हैं ना, जो सामाजिक कार्यकर्ता, वो ये देख रहे हैं। और तू कम से कम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बन यार, तू बहुत बड़ा, इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है कि जो चीज़ अस्तित्व में नहीं है उसकी बातें कर करके तू लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। एक बात बताना, कफील खान का मैंने पैसा खाया तो कफील खान बच्चा है, उसके मुंह में भगवान ने जबान नहीं दी है, वो क्यों नहीं बोला इतने साल तक? आज 2 साल होने आया, मैंने रखा ना इलाहाबाद हाई कोर्ट, सारा कोर्ट, सब लाइव था मेरा। तुझे पता है तेरी इन हरकतों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की IT सेल इस समय एक्टिवेट है, कफील खान गाली खा रहा है तेरी वजह से, देखना है? ये देख, ये ट्विटर हैंडल है, कफील खान के पोस्ट पे जाकर, जब संजय राउत बाहर आए थे तो उस पर पोस्ट किया था, हरिओम करके एक ट्विटर ID है, उसमें लिखा था डॉक्टर कफील खान एहसान फरामोश आदमी है, जिसके लिए विनय दुबे ने दिन रात एक करके इसको जेल से बाहर निकाला, क्योंकि तुम्हारी कौम ही 99% एहसान फरामोश। ये 10 नवंबर 2022 का पोस्ट है। तेरी वीडियो के बाद ना लोग कफील खान को गाली देने लगे हैं, कौम को टारगेट करने लगे हैं, एहसान फरामोश बोलने लगे, किसकी वजह से ये गाली पड़ रही है? तू कफील खान का दलाल है क्या? कफील खान को तेरे जैसे दल्लों की ज़रूरत पड़ गई है? मर्द के जैसा बोल रहा हूँ, जाके बोल दे आज भी कफील खान हिसाब ले ले मुझसे, 2 साल होने आया, क्यों नहीं बोला आज तक? तू बोलता है दुमका के शाहरुख के परिवार से पैसा खाया, बुलवा दे किसी शाहरुख के परिवार से, है तेरे पास कुछ वीडियो सबूत? आज मैं चाहूँ ना एक शाहरुख के परिवार का वीडियो डाल दूंगा ना, तेरी औकात निकल जाएगी। उनके परिवार से एक वीडियो मंगा लूँ ना कि आप डालिए मैंने क्या क्या किया है आपके लिए, क्या हुआ है, क्या मिला है, क्या गया है, क्या रह जाएगा तेरा? अरे वादा दावा वो कर जो पूरा कर सके मेरे भाई, कब तक बेवकूफ़ बनाएगा सीमांचल के युवाओं को? कमा ना 200-500 रुपया, जाता है ना वो भट्टा वालों से वसूली करता है, मेडिकल वालों से वसूली करता है, करना, किसने रोका है तुझे? तू अपना धंधा कर, लेकिन किसी के चरित्र पे उंगली मत उठा, उठा तो सबूत के साथ उठा, इतनी सी बात है, कर ले। तू शाहरुख के परिवार का चल वीडियो डलवा दे, तू बाहर क्यों जा रहा? तू किशनगंज में मिन्हास के परिवार से बुलवा दे विनय दुबे ने हमारे साथ आर्थिक ठगी की है, वो तो दूर नहीं है ना, तेरे कब्जे में है, तेरे इलाके में है, करवा दे वीडियो कि विनय दुबे ने हमारे साथ ठगी की है, कल बुलवा दे, चल मैं तुझे 5 दिन का टाइम देता हूँ, जा मिन्हास के परिवार से, उसकी पत्नी से, उसके भाई से, उसके साले से, किसी से बुलवा दे,
विनय दुबे ठग कर चुका है, तू काहे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिसके परिवारों को ठगा वो कुछ नहीं कह रहे हैं, और तू दल्लागिरी करने के लिए वो होते ना शादी में हिजड़े नाचते हैं, तू घाघरा उठा उठा के नाच रहा है, अरे कुछ साबित भी तो कर, सिर्फ बोलता ही रहेगा, कितना दिन बकवास करेगा, सारी बकवासें कर लेगा लेकिन जो असली चीज़ है वो नहीं बोलेगा। तेरे गांड में दम है, चैलेंज एक्सेप्ट कर, विनय दुबे आएगा मेरे साथ बैंक, चल स्टेटमेंट निकालेंगे मैनेजर का सील साइन के साथ सबके सामने लाइव वीडियो पे, पूरा सीमांचल के युवा हजारों युवाओं को जमा करके चौराहे के ऊपर मीनास के घर के ऊपर जहां तू बोलेगा वहां पे वीडियो लाइव कर ले, एक एक आंकड़ा निकाल ले, अगर 8 लाख नहीं निकला तो हसन जावेद नंगा होगा वहां पे, माफ़ी मांगेगा, अगर 8 लाख निकल गया तो विनय दुबे नंगा होगा, निर्वस्त्र होकर सबसे माफ़ी मांगेगा, मेरे मुँह पर कालिक लगा देना वहीं पर, खुला ऑफर, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा तुझे, जो कफील का पैसा खा गया, जो मीनास का पैसा खा गया, जो शाहरुख का दुमका का पैसा खा गया, वो इंसान तेरे हाथ में है आज, कर दे मुंह नंगा कर दे और मुंह काला कर दे, दिखा दे दुनिया को कि तू सच्चा है, और अगर नहीं कर पाया तो ये किशनगंज के युवाओं को समझना चाहिए कि इंसान आपको बेवकूफ़ बनाकर इतने सालों से आपको ठगता आया है, असली ठग कौन है वो तो समझ में आ गया ना, विनय दुबे की ठगी देखना है, दुमका जाके देख ले, शाहरुख के परिवार से मिल ले, जब पूरी मुस्लिम कौम मुंह में दही जमा कर बैठी थी ना तो अकेला विनय दुबे शाहरुख के लिए लड़ा, और आज हालात ये हैं कि बहुत जल्द शाहरुख जेल से छूटेगा, तुझे विनय दुबे का ठग देखना है ना तो जाके कामाख्या एक्सप्रेस में आज 5:55, 6 बजे के आसपास किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंच जाना, और देखना B5 नंबर की बोगी से नाहिद आलम उतर रहा है जिंदा सही सलामत, मेरी ठगी वो है, और इस तरह से लोगों की जान बचाना, किसी के आंसू पोंछना और किसी को मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाना अगर ठगी है ना, तो ये ठगी विनय दुबे रोज़ करेगा, हसन जावेद जैसे चूती अगर मुझे रोक पाए ना तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू भी वाकई में मर्द की औलाद है और तू एक बाप से पैदा हुआ है, तू रोक ले विनय दुबे को और कर दे नंगा, तेरे पास गोल्डन चांस है, विनय दुबे आज तक किसी के हाथ में नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी के सरकारी यंत्रणाओं के हाथ विनय दुबे नहीं लगा, तेरे जैसे आटू झाटू के हाथ में विनय दुबे लगने लग गए ना बेटा, तो मुँह देना मेरे मुँह पे, अगर तेरे में सही में तू एक बाप की औलाद है, तू सही में अगर मर्द है तो कर दे विनय दुबे को नंगा, देखना चाहता है अब किशनगंज और पूरा सीमांचल, नहीं कर पाया तो मैं आज भी बोल रहा हूँ, आधार कार्ड केंद्र जाना, अपना आधार कार्ड देना और उसमें लिखवाना हसन जावेद सन ऑफ विनय दुबे, और तू नहीं करेगा तो मैं किशनगंज गया कि आधार कार्ड पे तेरा आधार कार्ड चेंज कराऊंगा साले, अभी तो तू मर्द से पाला पड़ा है तेरे को, जिसको किशनगंज पूरे भारत में एक ऐसा बाप नहीं मिला जो अपनी बेटी हसन जावेद को दे दे, वो दूसरों से हिसाब मांग रहा है, जो कोई बेटी देना नहीं चाहता वो तेरे को हिसाब तू लेगा उससे, जा बच्चा जा बॉर्नविटा और दूध पी क्या, और साबित करेगा तू, और जब तक ये मामले में तू साबित नहीं करेगा या माफ़ी नहीं मांगेगा ना, विनय दुबे तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तेरी तो ऐसी कांड फाड़ेगा ना, तू भी याद रखेगा कि इस मर्द से पाला पड़ा है भोसड़ी के। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।